गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मेरा नाम है रौनक और आप देख रहे हैं रौनक टेक्निकल फैक्ट। तो गाइस बहुत सारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं या नए यूट्यूबर ये जानना चाहते हैं कि जो हम लोग कैमरा के सामने आते हैं और कैमरा के सामने आकर के एक्ट करते हैं और चीज को सिखाते हैं, इसके पीछे क्या है। तो बहुत लोग यूट्यूबर जानना चाहते हैं कि पीछे क्या है और व्यूअर भी जानना चाहते हैं कि पीछे क्या है। और जो नए यूट्यूबर हैं और वो यूट्यूब में आना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज लगता है। तो ये अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप ये सोचते होंगे कि फोन लूं, लैपटॉप लूं और DSLR कैमरा लूं। तो स्टार्टिंग में आप ये सब चीज आप सोचते होंगे कि ये सब चीज मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज जरूरत पड़ता है स्टार्टिंग में और मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ, स्टार्टिंग में कैसे अपने आप को मैनेज करता हूँ, ये चीज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा में क्या क्या चीज है जो कि मैंने फर्स्ट में स्टार्ट किया था और अभी किस लेवल पे अभी पहुंचा हूं। और स्टार्टिंग में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, मतलब फर्स्ट सब्सक्राइबर से बहुत सारा चीज एसेसरी नहीं था मेरे पास, फिर भी मैंने मैनेज किया और अभी तक भी मैनेज कर रहा हूं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आप एसेसरी इसमें लगता है और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि एक एक चीज को कि क्या क्या चीज इसमें लगता है शुरुआती में। तो अगर चैनल अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए पहले हम लोग फोन को उठा लेते हैं। तो गाइस यही मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है और इसी से हम यहाँ पर ही फोन में लगा करके अपना शूट करते थे। और पहले कुछ इसमें और अपग्रेड किया हुआ था, इसमें दो बल्ब लगा हुआ था और किसी जगह जा करके हम इसको शूट करते थे। यहाँ पर ही दो आप यहाँ पर ही हम आपको इसका वीडियो दिखाते हैं, आप यहां देख सकते हैं इसी टाइप का, मतलब दो बल्ब लगा हुआ था और इसके बाद मैंने इसको शूट करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं यहां पर ही कि दो गो होल्डर था और दो होल्डर लगा करके मैंने इसको शूट किया स्टार्टिंग में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे ही हम अपना वीडियो को शूट करते हैं और यही वीडियो बना करके हम आप लोगों को अपना नॉलेज शेयर करते हैं। यहाँ से हम यहाँ पर इसको फोन को इस पे रख करके ये स्टैंड है। तो नीचे देखिए मैंने स्टैंड को बनाया है इसको। और पहले क्या था, ये ग्रीन पर्दा नहीं था स्टार्टिंग में, इसको लास्ट में मैंने इसको यहाँ पर ही एडजस्ट किया। पहले ये था और इससे पहले छत में भी हम बनाते थे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए यही छत है और यहीं पर ही कांच के नीचे भी आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर ही हम बैठ करके यहाँ पर ही ट्राइपॉड स्टैंड यहाँ नीचे लगा करके और इसके नीचे यहाँ पर ही बैकग्राउंड के लिए हम इसको कांच का सीन देते थे, ग्रीन बैकग्राउंड के लिए। तो यही इसी टाइप का हम अपना वीडियो को इधर से शूट कर लिया, उधर से शूट कर लिया, जहाँ पर ही साउंड कम मिला वहाँ शूट कर लिया। और कोई सेपरेट रूम नहीं है जो कि अच्छा से वीडियो बना सके, तो इसीलिए बहुत शॉर्ट कटता था, इसीलिए हम छत पर आ करके कभी कभी बनाते थे। तो यही छत है, अगल बगल घर है, तो थोड़ा यहाँ से साउंड का पॉल्यूशन कम होता था। तो स्टार्टिंग में हमने क्या क्या एसेसरीज को लिया है तो चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं इसके एसेसरीज क्या क्या। तो ये छोटा सा फोन है, आप इससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था। ये मतलब ये फोन यहाँ पर ही स्टैंड में रख करके, और ये छोटा सा जो फोन है लाइफ का फोन है, बहुत पहले आता था, मतलब आज से 8 साल पहले था, तो इससे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था। और इसके बाद मेरे पास घर पे एक फ़ोन था जो कि मैं इसको यूज़ कर रहा था और मेरी फैमिली में इसको यूज़ करते थे। तो ये इस फ़ोन को मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेकर के फिर बाद में इस फ़ोन से शूट करने लगा रिकॉर्डिंग। अब मेरे पहले वीडियो जब जाएंगे आप तो पुराने वीडियो में आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि ये फ़ोन का क्वालिटी कुछ हट के अलग रहता है। उसके बाद धीरे धीरे अपग्रेड करते गया वीडियो का क्वालिटी को, तो फिर लास्ट में ये फ़ोन लिया मैंने। इस फोन का थोड़ा क्वालिटी बेटर हो गया। बेटर होने के बाद अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ जिस फ़ोन से, तो वो ओप्पो का राइनो 8 है, उससे शूट कर रहा हूँ। उसके बाद एसेसरीज मुझे क्या क्या लगा जो स्टार्टिंग में मैंने यही दो फ़ोन को यूज़ किया था। आप देख सकते हैं ये दो फ़ोन है, एक सेकेंड, तो दो फोन है ये इसी फ़ोन से मैं स्टार्टिंग में शूट कर रहा था। छोटा सा फ़ोन था और ये भी छोटा ही सा है जो काम चलने के लायक है। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ते गया रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको यूज़ करने लगा। उसके बाद
ऐसा लगा कि माइक का जो क्वालिटी है वो बहुत डल जा रहा है। और स्टार्टिंग में, क्योंकि जब नए यूट्यूबर, अगर आप नया यूट्यूब चैनल खोल रहे हैं तो आपको उसकी पूरा ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में भी आप काम कर सकते हैं कुछ नॉर्मल फ़ोन से भी, तो आपको पूरा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैंने छोटा सा एक वायर वाला, मतलब पहले हेडफोन वाला यूज़ किया था, हेडफोन वाला भी मेरे पास नहीं है। उसके बाद माइक के लिए मैंने एक छोटा सा वायर वाला यूज़ किया, ये वाला। उसके बाद धीरे 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 अपग्रेड करते करते फिर ब्लूटूथ वाला मैंने लिया अभी। तो ये दोस्तों, ये ब्लूटूथ वाला है और इसको मैंने अभी ब्लूटूथ से शूट करते हैं। इसका जो वॉइस है, वॉइस धीरे धीरे हम, क्योंकि एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं किए, क्योंकि मेरे पास उतना रिसोर्सेस नहीं था, और जिस मैं घर पे रहता हूँ और वहाँ पर ही कोई सेपरेट रूम भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है। उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड के बाद फिर ट्राइपॉड मैंने ये वाला लिया, सेल्फी स्टिक लिया। फिर धीरे धीरे करके इसको हमने, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ी बाद में, तो इसको मैंने लेने लगा धीरे से, बाद में लिया मैंने। शुरुआती स्टेज में मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ नॉर्मल मेरा फ़ोन था। उसके बाद देखिए आपको वॉइस आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि मेरा कोई सेपरेट रूम नहीं है। आप यहाँ पर ही छोटा सा जो ये वाला रूम है, करकट का है, और यहाँ पर ही आप पर्दा ग्रीन, पहले तो ब्लैक था, उसके बाद ब्लैक से काम नहीं चला, तो फिर उसके बाद मैंने ग्रीन पर्दा को डाल दिया, क्योंकि ये नए यूट्यूबर को मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नया नया आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और यहाँ पर ही आप देखिए, जब हम बाहर जाते हैं तो ये छोटा सा है, यहाँ पर ही साउंड का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और ये भी घर है, इस घर, दोनों घर से आवाज़ बहुत आता है, क्योंकि हमारे घर से बच्चा लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग है। और आप लोगों को भी पता ही होगा कि जो कि आप जब टेक वीडियो बना रहे हैं तो इसका वीडियो का क्वालिटी चाहिए, साउंड का क्वालिटी चाहिए, क्योंकि इसमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो डिस्टरबेंस के कारण से क्वालिटी नहीं बन पाता है, बार बार शूट करना पड़ता है, बार बार पुश कर देना पड़ता है, रोक देना पड़ता है। तो अभी तक अभी उस टाइप का रूम नहीं है हमारा जो कि अच्छा से वीडियो बना सके और रेगुलर वीडियो बना सके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और बच्चे लोग स्कूल यहीं पर ही, ट्यूशन वगैरह पढ़ती है बच्चे लोग, तो यही रूम में है, सब मैनेज करते हैं इसी रूम में। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं टोटल रिसोर्सेस यही है और इसी से हम मैनेज करते हैं यहाँ पर ही। तो यही मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, देखिए दोस्तों ट्राइपॉड स्टैंड आप लोगों को कैसा लगा? यही मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के मैंने इस ट्राइपॉड स्टैंड को बनाया है, और इसको यहाँ से रखेंगे, यहाँ से हमारा शूट होगा, फिर यहाँ से हटा देंगे। आप ये रबड़ लगा दिया है कि फ़ोन गिरे नहीं। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो और हमारे वीडियो से आप मोटिवेट अगर हो गए हो कि नए यूट्यूबर में आप लोगों को ज़रूरत ज़्यादा नहीं है कि नया फ़ोन लेना या लैपटॉप हो या DSLR कैमरा हो, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप स्टार्ट कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग आप कर सकते हैं, स्टार्टिंग करने के बाद आप धीरे धीरे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरे वीडियो से अगर आप मोटिवेट हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल नीचे सब्सक्राइब है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।